दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्डेक्स के कुछ खास अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी लोग को जानना भी महत्वपूर्ण है और करना भी महत्वपूर्ण है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, जो लोग बॉन्डेक्स में माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए। अब जो लोग माइनिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग शुरुआत से अभी भी शुरुआत कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट के। ओके, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, क्या अपडेट है, कैसे क्या करना है, क्या करना वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटे कॉल पे क्लिक करके। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट या फिर जानकारी दिए जाते हैं, जो कि मतलब जो भी अभी इसके बारे में अपने आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसको ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्या अपडेट, कैसे क्या करना। तो यहाँ पे ना एक मतलब अपडेट आप लोग को मैं शेयर करता हूँ, जो कि टोकनमिक्स के बारे में, कितना सप्लाई का, कितना अपने को एड्रॉप मिलेगा, कितना टोकन मतलब हम लोग यहाँ पे अर्न कर पाएंगे, क्या प्राइस हो सकती है, वो सब कुछ। और दूसरा यहाँ पे एक वॉलेट कनेक्ट करने का एक अपडेट आया है, जो कि आप लोग को इस वीडियो में पूरा शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे 6 जनवरी को ही ये क्वाइन लिस्ट के साथ में मतलब कि अपना जो रोड मैप वगैरह है वो सब कुछ शेयर कर दिए हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कैसे है, वो सब कुछ यहाँ पे समझते हैं। ये इंग्लिश में हो गए कर लेता हूँ, हिंदी में पूरा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। रोड मैप यहाँ पे आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि Q1 में ही इनका एड्रॉप का स्नैपशॉट होगा। Q1 मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च, इस 3 महीने के अंतराल में ही, 3 महीने में कभी भी ये लोग क्या कर सकते हैं, आपके ऐप का स्नैपशॉट ले लेंगे। उसी के बेसिस पे क्या होगा कि आप लोग को एड्रॉप मिलेगा और Q2 में आप लोग को जो है TGE मतलब टोकन जनरेशन इवेंट जो होगा उस समय होगा, तो उसी समय अपने को मिलेगा। तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून में जो है 3 महीने के अंदर में कभी भी आप लोग को टोकन मिल पाएंगे या फिर उसे आप लोग सेल करके प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल 2% यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे बोले हैं कि कम्युनिटी को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। और एक्टिव ऑन बॉन्डेक्स यहाँ पे किस टाइप से आप यहाँ पे एक्टिव रह सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे खास बात यहाँ पे आती है कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम क्या है यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट पहला ये है कि फुली कंप्लीट प्रोफाइल ऑन बॉन्डेक्स, बॉन्डेक्स का जो प्रोफाइल है वो 100% आप लोग का जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसको जल्दी से कर लीजिए। इसके पहले वाला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने पूरा बताया था कैसे कैसे करना है, फिर भी आप लोग को जल्दी में आप लोग को मैं बता दूंगा कैसे आप लोग को आपको 100% जो है प्रोफाइल अपना कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग को उस वीडियो को देखना ना पड़े, ठीक है। और दूसरी बात यह है, कुछ अपडेट भी हो गया है जो कि इस वीडियो में आप लोग को कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा नंबर पे यहाँ पे EBM वॉलेट एड्रेस जो है वो आप लोग को बाइंड करना है इनके वेबसाइट या फिर इनके प्रोफाइल में, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो भी आप लोग को इस वीडियो में शेयर करूँगा थोड़ा टाइम के बाद में। ओके, और टोकनमिक्स यहाँ पे देखना चाहे तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे टोकनमिक्स जो है डिटेल में देखना चाहे तो वो आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। यानी कि जैसे कि यहाँ पे वेस्टिंग किस हिसाब से रहेगा, तो यहाँ पे ये तो सभी हमारे काम का है नहीं, जो लास्ट वाला है कम्युनिटी एड्रॉप, जैसे कि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं या फिर टेस्टनेट का जो भी है वही हम लोग के यहाँ पे हक में आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो मिलियन टोकन होगा वो है 20 मिलियन टोकन का हमारे लिए रहेगा। पहले वाले में जो हम आप लोग साथ में शेयर किए थे वीडियो ना, उसमें बहुत ही कम था भाई, और टोटल सप्लाई कम था, शायद इसमें कुछ बिलियन कर दिए हैं ये लोग सप्लाई, तो उसके हिसाब से हम लोग को मिलियन में टोकन मिल रहा है। नहीं, उस बार क्या है बहुत ही कम टोकन मिल रहा था। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 20 मिलियन में क्या होगा, TGE के हिसाब से यहाँ पे 5% जो है हम लोग को अनलॉक होगा। जैसे यहाँ पे मतलब हम लोग को टोकन मिलेगा तो उसमें से जो अनलॉक होगा वो 5% पूरा जितना भी हमने माइन करा है उसका टोकन का 5%, ठीक है। और वेस्टिंग मंथ कितना होगा वो 20 महीने तक आप लोग को जो है ना आप लोग को वेस्टिंग के हिसाब से आप लोग को जो टोकन है वो आप लोग को मिलते रहेंगे। ओके, ये हो गया। और टोटल जो सप्लाई का कितना परसेंट ये ड्रॉप कर रहे हैं अपने लोग को, यहाँ पे 2%, ठीक है, 2% यानी कि 20 मिलियन जो है वो बन जा रहा है, ठीक है। टोटल जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100% का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो देखना चाहें और जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई खास नहीं है, जो कि मेन मेन चीज़ें हैं वो आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करें और वॉलेट कैसे लिंक करें। ओके, तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सिंपल सा आप लोग यहां पे अपने वॉन्डेक्स ऐप में चले आइएगा। उसके बाद फिर यहां पे आप लोग को प्रोफाइल का एक ऑप्शन, नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करना,
उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे है जानकारी वगैरह वो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे हमारा 40% कंप्लीट है, यहाँ पे 100% करना होगा। यहाँ पे एरो पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल अपलोड, यहाँ पे पिक्चर मतलब कि हमारा जो प्रोफाइल है वो अपलोड करना होगा। अपलोड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। और उसके फिर कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल, जैसे यहाँ पे कंप्लीट पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी कुछ जानने मतलब डालने का आ जाएगा। फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, हेडलाइन और उसके बाद फिर बायोग्राफी जो भी आप करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालना होगा। डीडी लोकेटेड मतलब आप कहाँ रखते हैं लोकेशन के हिसाब से, और यहाँ पे प्राइमरी जॉब रोल क्या है उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, अब देखिए भाई जो लोग जॉब करते हैं तो वो लोग आराम से डाल लेंगे, जो लोग जॉब नहीं करते तो फिर वो मनमानी डाल दीजिए कि भाई कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ तो कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और सोशल लिंक जैसे कि लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल बनाना होगा, मतलब ऐप में आपको अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद फिर उसका लिंक यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप डाल करके यहाँ पे सेव मार दीजिएगा। सोशल लिंक जो है लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल दीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कर देंगे वो आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं टेल अस योर जॉब प्रेफरेंस, यहाँ पे ऐड योर जॉब प्रेफरेंस यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे जस्ट ब्राउजिंग या फिर नॉट लुकिंग फॉर वर्क यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पे कोई भी आप लोग यहाँ पे डाल करके जैसे कि यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग इमिडिएटली या फिर 1-2 वीक कुछ भी डालना चाहें, और फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है, वन साइड या फिर हाइब्रिड रिमोट जो भी आपको मतलब समझ में आया, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे डालते जाएगा। इसमें कुछ आपको ज़्यादा डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे अपन अगर मान लीजिए नेक्स्ट कर देते हैं उसके बाद फिर और कुछ आ जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे डालते डालते आप कंप्लीट करेंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, आराम से मैं करूँगा तो फिर यहाँ पे सबमिट कर लूँगा। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है ऐड योर स्किल। यहाँ पे ऐड योर स्किल मतलब कि आपके पास क्या क्या स्किल वगैरह है, तो वो आप लोग यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके आप लोगों को सिंपल सेव मार दीजिएगा, ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आता है यहाँ पे अपलोड रिज्यूम। तो रिज्यूम आपको करना होगा। रिज्यूम मतलब कि जैसे कि आपका बायो डाटा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, माता का क्या नाम है, फिर आप क्या मतलब किस क्लास में पढ़े हैं या फिर किस कौन कौन से आपने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद फिर क्या आप करते हैं, उसके बाद फिर क्या आपकी उम्र है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होता है ना वो रिज्यूम होता है। ठीक है, मतलब पढ़ाई के बारे में, जैसे कि आप कहीं पर जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ पर रिज्यूम में वही सब कुछ डालना होता है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सब तो अपलोड करना होगा। तो ये रिज्यूम कैसे बनाएंगे, रिज्यूम में एक फोटो होता है, तो आप लोग सिंपल जाइएगा प्ले स्टोर पर चलेगा, प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। सिंपल से आप लोग सर्च करेंगे ना यहाँ पे रिज्यूम या कर सर्च करेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, तो किसी भी ऐप को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसको आप सिंपल से यहाँ पे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे भाई आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नाम डालना होगा प्रोजेक्ट में, तो रिज्यूम कुछ भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से डाल करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा क्या आपका नाम क्या है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर मेल फीमेल, और पर्सनल जानकारी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, नेशनलिटी, फोटो, बस इतना डाल करके। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी अगर स्लाइड करेंगे थोड़ा सा, तो इसके बाद फिर यहाँ पे इधर साइड में तो आप लोग क्या करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर स्लाइड करेंगे तो कैरियर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अरे यार ये ऐड आ गया। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कुछ भी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके करना होगा। उसके प्रोजेक्ट इसको भी छोड़ सकते हैं, जो मतलब स्किल वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर प्रोफाइल, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, जो जो मतलब आपको डालना है। उसके बाद फिर आप जो भी डिक्लेरेशन कुछ करना मतलब लिखना चाहते हैं अपने बारे में तो कुछ लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो मतलब कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ डाल करके, और यहाँ पे आपके पढ़ाई के बारे में कुछ यहाँ पे लिख करके आप लोग को सिंपल यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे एक फोटो टाइप का आ जाएगा, उसके बाद फिर उसको कॉपी करके या फिर मतलब डाउनलोड करके उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे फोटो भी अपना अपलोड मतलब मान लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे और आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जैसे ऊपर कंप्लीट कर देंगे ना, तो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, जो जो डिटेल मांग रहा है वो सब कुछ यहाँ पे डाल करके। ठीक है, तो ये आप लोग सिंपल से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही ईजी है, आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे, आराम से हो जाएगा। बस यहाँ पे जो भी डिटेल मांग रहा है ना उसके हिसाब डालते जाइएगा, जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट में बात यहाँ पे आती है अपना वॉलेट कनेक्ट करने का। तो वॉलेट कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपल से आप लोग को जो मेन इनका साइट का लिंक होगा वो आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पे, सिंपल सा ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करने का आएगा, सिंपल लॉगिन पे क्लिक करिएगा, और उसके बाद यहाँ पे जिस ईमेल के माध्यम से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा उसी ईमेल आईडी को डाल करके यहाँ पे ओटीपी डाल करके यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन कर लीजिएगा अकाउंट।
अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे दोबारा से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं क्लिक करना, ओके यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉलेट पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग को क्या करना कनेक्ट वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद फिर यहाँ पे मेटामास्क यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को सिंपल क्या करना मेटामास्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, बस यहाँ पे आप लोग को इस टाइप से काम कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और कहूँगा कि भाई यहाँ पे क्या है, डेली के डेली आप लोग यहाँ पे माइनिंग जरूर करते रहिएगा इस ऐप में। और उसके बाद माइनिंग करने के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोगों को रेफर कर लीजिएगा, इससे क्या है कि आप लोग का यहाँ पे जो है पॉइंट और बढ़ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में क्या है यहाँ पे एक्टिव रहिए भाई, डेली के डेली यहाँ पे माइनिंग करते रहिए। माइनिंग करने से आपका पॉइंट बनेगा और जो पॉइंट है भाई वन बाई वन के रेशियो में बताया जा रहा है कि ये कन्वर्ट होगा, तो जैसे कन्वर्ट होगा तो पता चल जाएगा क्या है क्या रेशियो नहीं, ठीक है। और लिस्टिंग प्राइस अगर बात करें तो मतलब कि यहाँ पे $1 के आसपास में यहाँ पे जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। अगर बाइनांस पे लिस्ट होगा भाई तो अच्छा खासा प्राइस जाने देखने को मिल सकता है और उसके हिसाब से आप लोग का अच्छा प्रॉफिट जा सकता है, ओके। तो डेली डेली यहाँ पे माइनिंग करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट करते रहिए, ओके। उम्मीद है आप लोग को वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई अपडेट या फिर जानकारी होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए आप देखते रहें, सीखते रहें और पैसे कमाते रहें। धन्यवाद।